हमारे साथ बीएसपी के तमाम सांसद मौजूद, उन्हीं से बात करेंगे। दानिश अली साहब से पहले बात करते हैं। आप लोगों ने बिल के विरोध में एक बार वोट किया है, क्या मंशा थी आप लोगों कि ये बिल जो है भारत के संविधान की मूल रचना के खिलाफ ये बिल। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे देश को संविधान दिया बराबरी का, इस बिल में धर्म के आधार पर गैर बराबरी का ये बिल था। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने हमें निर्देशित किया कि हम बहुजन समाज पार्टी के सभी सांसद इस बिल का विरोध करें, बिल के खिलाफ लोग। सरकार कह रही थी कि ये जो जिस मंशा को आप दर्शाया जा रहा संविधान के धारा 14 को, इसके खिलाफ नहीं है। इससे पहले भी समय समय पर इस तरह के प्रयास होते रहे। देखिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरीके का माननीय गृह मंत्री जी का भाषण था लोकसभा में बिल पर चर्चा का जवाब देते वक्त, उससे उनकी जो मंशा है वो जाहिर हो जाती है कि ये चाहते क्या। क्या मंशा मान? अब आपको ये तो आप भी समझदार हैं किस तरीके से उन्होंने भाषण दिया। ये जख्मों को कुरेद के इलाज नहीं होता, इसीलिए हमारा देश जो है ये मिली जुली संस्कृति का देश है। हमारे पूर्वजों ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने या उस वक्त के जो सब नेता थे मौलाना आज़ाद थे, उन्होंने टू नेशन थ्योरी का विरोध किया था। हम इसीलिए भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, वो सभी मज़हब सभी जात के लोगों के लिए बराबरी का इक्वालिटी का मुल्क है। हाँ बिल्कुल, ये थे दानिश अली जो कि बीएसपी के लोकसभा संसदीय दल के नेता। उनका बहुत साफ करना था कि जिस तरीके की मंशा से सरकार ने बिल पेश किया था, इसी का विरोध था। आपने कहा मुझे जागीर साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।